नमस्कार दोस्तों, यूटीवी न्यूज़ 24 के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय इंडिया की टीम श्रीलंका दौरे पर है, तो वहीं इंडिया की ए टीम इंग्लैंड दौरे पर है। इंग्लैंड दौरे पर आने वाले समय में 4 अगस्त से इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, और वहीं इंडिया की बी टीम श्रीलंका के साथ 3 वनडे और 3 T20 मुकाबले की सीरीज खेलने वाली है। मगर दोस्तों, सीरीज से पहले इंटर स्क्वाड मैच खेला गया, जहां पर 2 टीमें बनाई गईं। पहली टीम का नाम था भुवनेश्वर कुमार 11, दूसरी टीम का नाम था शिखर धवन 11। दोनों टीमों में बहुत ही घमासान मुकाबला खेला गया, जहां पर शिखर धवन टीम की ओर से खेलते हुए पृथ्वी शो ने तूफान मचा दिया, कोहरा मचा दिया। अगर दोस्तों आप भी पृथ्वी शो की तूफानी बल्लेबाजी के बारे में जानना चाहते हो और आप भी पृथ्वी शो को महान विस्फोटक खिलाड़ी मानते हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले भुवनेश्वर कुमार की टीम ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो भुवनेश्वर कुमार की टीम ने पहले ओपनिंग करते हुए 202 रन बनाए और 203 रन का लक्ष्य दे दिया शिखर धवन टीम को, जहां पर कप्तान शिखर धवन मात्र 0 रन पे ही आउट हो गए, कोई अपना खाता नहीं खोल पाए और चेतन सकरिया ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मगर उसके बाद पृथ्वी शो का साथ देने के लिए मैदान में मनीष पांडे आए। मनीष पांडे ने बखूबी साथ निभाया पृथ्वी शो का और 50 रन से भी ज्यादा ठोक डाले, जिस दौरान 5 छक्के भी शामिल हैं। दोस्तों, मनीष पांडे की बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो मनीष पांडे जब श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे तो फिर गेंदबाजों को बख्शने वाले नहीं हैं। पृथ्वी शो इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे कि मानो इस मुकाबले को एकाध गेंद शेष रहते हुए 203 रन बना देंगे और इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जिता देंगे। मगर उसके बाद कुलदीप यादव ने चकमा दे दिया पृथ्वी शो को और 84 रन पे आउट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा रन पृथ्वी शो ने इस मैच में लगाए, 84 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली और पृथ्वी शो को आउट होने के बाद शिखर धवन टीम की ओर से कोई बल्लेबाज नहीं चल सका और 140 रन पे पूरी टीम को ढेर कर दिया चेतन सकरिया कुलदीप यादव ने, और इस तरीके से 63 रन के बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीत लिया भुवनेश्वर कुमार 11 ने। वहीं दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, 13 से लेकर 18 जुलाई के बीच में 3 वनडे खेले जाएंगे और 21 से लेकर 25 जुलाई के बीच में 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे भारत और श्रीलंका के बीच में। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि श्रीलंका के खिलाफ पृथ्वी शो क्या शतक बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना था, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीवी न्यूज़ 24।